सोलन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत मां शूलिनी सेवादल द्वारा नव वर्ष में जन्मी कन्याओं के परिजनों को 5100 रुपए के चेक वितरित किए गए, ताकि परिजनों को उस राशि से कुछ राहत के। कथा का उद्देश्य लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में जागरूक करना है। गौरतलब है कि मां शूलिनी सेवादल पिछले कई वर्षों से सामाजिक कार्यों में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। पिछले 5 वर्षों से शूलिनी सेवा दल नव वर्ष पर जन्मी नवजात कन्याओं के परिजनों को 5100 रुपए के चेक वितरित करता है, ताकि परिजनों को कुछ राहत मिल सके। बात करते हुए मां शूलिनी सेवा दल के अध्यक्ष सुशील चौधरी ने बताया कि संस्था पिछले निरंतर 5 वर्षों से नव वर्ष पर जन्मी कन्याओं को राहत राशि प्रदान कर रही है। मां शूलिनी सेवा दल सोलन द्वारा आज यहाँ हॉस्पिटल में, हमारे यहाँ जोनल हॉस्पिटल जो सोलन का है, यहाँ पर बेटी बचाओ अभियान के तहत हर साल की तरह आज 5वां साल है ये। और हमने यहाँ पर जितने भी 31 तारीख नए साल में जितनी भी गर्ल चाइल्ड पैदा होती है यहाँ पर, उन्हें हम 5100 रुपये प्रत्येक को हमारी संस्था की तरफ से एक चेक दिया जाता है। जस्ट एक मोटिवेशनल सिस्टम है, ताकि माँ बाप का जो इनिशियल कोई भी खर्चा हो उसको वो मीट आउट कर पाएँ। और यहाँ पर जो गर्ल चाइल्ड, जैसे कहा जाता है कि एक बोझ है, उसमें हम पेरेंट्स की थोड़ी सी सहायता करने की कोशिश करते हैं। आज 5 लड़कियों को हमने ये 5100 रुपये प्रत्येक को ये चेक दिया है। एक बेटी बचाओ अभियान के तहत उन्हें बेटी को प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि किसी भी तरह की, जैसे आज तक कहा जाता है कि डिस्क्रिमिनेशन रहती है, हमारा अनुपात कम हो गया है गर्ल्स का, और उसको जरा मोटिवेशन करने के लिए, ताकि गर्ल चाइल्ड आने पर कोई भी निराश ना हो पेरेंट्स, इसके लिए हमने इसको एक सपोर्ट करने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया है। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।